तुम्हें भाई लोग क्या चाल है, वेलकम बैक टू अनदर रैंक पुशिंग वीडियो। अब देखो यार, यहाँ पे गेम के अंदर नया अपडेट भी आ चुका है एंड बस 2 दिन के अंदर ही यहाँ पे अपना नया सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। सो बस यहाँ पे 2 दिन और वेट करो, नया सीजन स्टार्ट होते ही वापस से भाई बूम बम वाली जो अपनी रैंक पुश रहती है #1 वाली, वो इधर स्टार्ट हो जाएगी। भाई इधर जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यार मैं पिछले काफ़ी टाइम से भाई यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ एंड नई जगह पे शिफ्ट हो रहा हूँ, सो इसी वजह से जो है भाई वीडियोस कुछ ज़्यादा ही अनकंसिस्टेंट हो गई थी। बट अब दिक्कत नहीं है क्योंकि यार यहाँ पे अपने को जहाँ पे जाना था वहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड ठीक ठाक अभी के लिए तो यार यहाँ पे अपन सेटल हो चुके। सो अभी बस यहाँ पे भाई न्यू सीज़न के स्टार्ट का ही वेट करके बैठा हूँ मैं। जैसे सीज़न स्टार्ट होगा नॉन स्टॉप पहले की तरह यहाँ पे वीडियोज़ आना चालू हो जाएंगे। भाई तेरी ये न्यू मोड को लेके जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो रहेगी वो भी यार यहाँ पे आपको कल मिल जाएगी, सीजन स्टार्ट होने से एग्जैक्ट 1 दिन पहले, जो कि हर बार यहाँ पे अपन करते हैं। तो कल यहाँ पे जो है वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो मिल जाएगी। भाई इधर यहाँ पे आप लोग को ये वाला मोड जो है वो कैसा लगा एक बार इधर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, क्योंकि ये वाला मोड जो है वो मेरे को ठीक ठाक ही लगा, ज़्यादा कुछ इसमें खास था नहीं। क्योंकि यहाँ पे भाई जो भी चीज़ें रहती है इवेंट वाली वो यहाँ पे आपको इवेंट पे ही मिल जाती है, उसको छोड़ के यार यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है वो फिर आगे जाके आपको गेम प्ले में काम नहीं आएगी। लेकिन टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि यार यहाँ पे ये वाले मोड को लेके जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो रहेगी वो यहाँ पे आपको कल ही मिल जाएगी। तो यार ये वाले मोड में आपको किस तरह से खेलना है, किस तरह से रैंक पुश करनी है, वो सारी चीज़ें आपको कल वाली वीडियो में पता लग जाएगी। सो यार यहाँ पे अगर अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो जल्दी से कर लो, क्योंकि कल ही यार यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। भाई तो बात करिए यहाँ पे आज के वाले फर्स्ट गेम प्ले की, काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे मैं सोलो खेल रहा था, क्योंकि बीच में तो यार यहाँ पे कभी कभी मैं डुओ की ही रैंक पुश कर रहा था, सोलो तो बिल्कुल ही खेलने का टाइम मिल नहीं रहा था। सो यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे मैंने सोलो लगाया था एंड ये वाली लॉबी जो है वो अपन बहुत अच्छी तरीके से तोड़ने वाले। खैर अभी स्नो विलेज की बात करें तो यार देखो यहाँ पे भाई डुओ एंड स्क्वाड में तो भाई 50-50, 60-60 बंदे यहाँ पे आपको स्नो विलेज पे मिल जाते, लेकिन यहाँ पे सोलो में ना बहुत ही कम बंदे, मतलब कम तो नहीं बोल सकते लेकिन यार यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदे नहीं आते जितने ज़्यादा बंदे यहाँ पे डुओ एंड स्क्वाड में आते। स्क्वाड की तो क्या ही बात करूँ। फिनिश के लिए तो यहाँ पे अपने को जितने भी बंदे मिल रहे थे उतने बंदों को फिनिश करके मैं सोच रहा था कि चलो अब यहाँ से भाई निकलने का टाइम आ चुका है। लेकिन जाने से पहले यार यहाँ पे जो है मेरे को एक और कूप वाला बंदा मिल जाता है एंड अभी के लिए स्नो विलेज पे मैं अकेला ही बचा था। यहाँ पे अगर आप साइड में मैप में देखोगे तो एक अकेला बंदा ही भाई यहाँ पे पूरे अरीना में दिखा रहा था। तो अभी के लिए यार यहाँ पे स्नो विलेज अपन ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था, उसके बाद छोटी मोटी लूट उठा के यार वहाँ से अपन सीधा का सीधा आ जाते अपार्ट्स की साइड।
लेकिन अपार्टमेंट तो यार यहाँ पे ऑलरेडी पता नहीं कितने बंदे थे, लेकिन यहाँ पे भाई पहले से ही भसड़ चालू हुई थी। मैं तो सिर्फ थर्ड पार्टी करने आया था, एक बंदे को फिलहाल के लिए फिनिश किया था। एंड अब इससे पहले कि दूसरे बंदे को यहाँ पे भाई मैं पुश करने चाहता, मेरे को छोटा सा काम एक आ जाता है। एंड इस चक्कर में यार यहाँ पे मेरे को जो है 5 से 10 मिनट यहीं पे होल्ड करना पड़ता है। एंड लकीली यार यहाँ पे मेरे को कोई बंदा मारता तो है नहीं, लेकिन बंदे जो है वो काफ़ी कम हो चुके थे। तो अब भाई मैंने सोचा कि चलो जितने भी बंदे बचे हैं ना, अब इनके ऊपर पुश कर करके भाई यहाँ पे इन लोग को मारेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे जोन के अंदर घुसता हूँ, पता चलता है कि यार यहाँ पे सेंटर की साइड जो है वो ऑलरेडी भाई यहाँ पे दो बंदों की फाइट चल रही है। तो यार यहाँ पे जो है वो जैसे लोग की फाइट खत्म होती है ना, मैं सीधा थर्ड पार्टी करने आ जाता हूँ। बंदे को जो है वो ऑलरेडी ग्रेनेड से डैमेज दे दिया था, फिर बस यहाँ पे 1 से 2 गोली मारनी थी। एंड भाई यहाँ पे वो काम भी अपन आराम से कर देते हैं। एंड इससे पहले कि यार बंदे की लूट अपन उठाते, यहाँ पे एक और बंदे का पुश आ जाता है। लेकिन ये वाला बंदा जो है वो सीधा क्लोज इन नहीं करता, बंदा जो है वो दूर से भाई ग्रेनेड पे ग्रेनेड मारना चालू करता है। तो मैं भी भाई अपनी तरफ से भाई यहाँ पे अपने ग्रेनेड बरसाना चालू कर देता हूँ। एंड अब वो वाले बंदे को जस्ट फिनिश करके यहाँ से मैं निकल ही रहा था कि उतने में एक और बग्गी आ जाती है। एंड हाँ ऑफ कोर्स अगर सामने से कोई भाई गाड़ी निकल रही है एंड इसको ऐसे ही भागने दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बाकी वाले बंदे को मार के यहाँ पे भाई मैं थोड़ी देर इधर से उधर भागता हूँ कि बचे हुए बंदे जो है वो इतने छोटे से जोन में आखिर है तो है कहाँ पे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद यहाँ पे जो है वो भाई शेल्टर के अंदर यहाँ पे मेरे को एक भाई बंदा या बंदी बोल सकते हो मिलता है। अब भाई पहले तो मैं सोच रहा था कि यार शेल्टर के अंदर पुश नहीं करते, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार यहाँ पे किल्स चाहिए, तो मैं सीधा यार बंदे की ओर पुश करके बंदा या बंदी आगे जो भी मैं बोलना चाहो इसके ऊपर पुश करके आराम से इसको फिनिश करते। एंड अब जोन जो था वो भी काफ़ी छोटा हो चुका था, तो यार यहाँ पे अब लास्ट जोन के अंदर भाई किल्स किस तरह से निकालने वो देखना था, क्योंकि ज़्यादा बंदे बचे थे नहीं। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि यार यहाँ पे अपने को और किल्स चाहिए थे ज़्यादा प्लस के लिए, क्योंकि अभी के लिए यार प्लस जो है वो तो ना के बराबर ही मिल रहा है। यार यहाँ पे जो है वो एकदम ही रिस्की मूव था, लेकिन यार यहाँ पे भाई अपन ने जैसे तैसे किल्स एक किल निकाला और 10 HP से जैसे तैसे बचते बचाते यहाँ से अपन निकल जाते। एंड अब कहीं पे भी पुश करने से पहले यार यहाँ पे मेरे को अपनी हेल्थ जो है वो फुल करनी जरूरी थी, तो यार यहाँ पे एक मेडकिट मारते। एंड अब जस्ट मेरे पीछे की साइड ही भाई दो बंदों की फाइट चल रही थी, सो यहाँ पे मैं सीधा थर्ड पार्टी करने पहुंच जाता हूँ।
एंड जी वाले बंदे के साथ भी मेरी अच्छी खासी फाइट होती है। बंदा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे को मार ही चुका था, क्योंकि आईपैड में अभी भी यार यहाँ पे भाई मेरे को DBS चलाने की मतलब इतनी ज़्यादा आदत है नहीं, या फिर बोल सकते हो कि मेरा हाथ अभी बैठा नहीं है आईपैड पे यहाँ पे DBS या फिर शॉटगन चलाने के लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आईपैड में भी यार यहाँ पे अपन DBS जो है वो मास्टर कर लेंगे थोड़े टाइम में। अब लास्ट में यार यहाँ पे मेरे को छोड़ के वो टोटल 3 बंदे बचे थे। एक बंदे को तो मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुका था, दूसरा बंदा जो है वो यहाँ पे था अपना सब्सक्राइबर, एंड तीसरा बंदा जो है वो सामने साइड पत्थर के पीछे भाई गाड़ी लगा के मस्त बैठा हुआ था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यार नेक्स्ट जो था वो यहाँ पे अपने को सपोर्ट कर रहा था। एंड अब बंदा जो था वो यहाँ पे ऑलरेडी डिसएडवांटेज में था, तो मैं सोची कि यार कंपाउंड के ऊपर चढ़ के यार यहाँ पे बंदे को इजीली फिनिश कर देंगे। लेकिन जब तक यार यहाँ पे मैं बर्फ बर्फ बना के भाई कंपाउंड के ऊपर चढ़ता हूँ, यहाँ पे बंदा जो है वो भाई पता नहीं कब कहाँ से फ्लैंक मार के भाई यहाँ पे एकदम ही जोन के अंदर आ जाते। थोड़ा सा टाइम मेरे को भाई बंदे को ढूंढने में लगता है, लेकिन हाँ यहाँ पे बंदे को यहाँ पे आराम से ढूंढ के फिनिश कर देते। एंड लास्ट में यार यहाँ पे अपना सब्सक्राइबर ही बचा था, थोड़ी देर इसके साथ बात बात करते। एंड ये जो सब्सक्राइबर था अपना भाई कॉन्करर के बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो यार मैंने सोचा कि चलो इसी को चिकन दे देते, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी कॉन्करर हो ही रखा है। तो भाई को यार यहाँ पे अपन चिकन डिनर दे देते भाई। तो यार बस इतना सी गेम प्ले, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब तुम्हारी देना, एंड फिर आप से अपने दोस्तों से शेयर कर देना। बाकी त्यौहार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.